नाक के ऊपर काफी ज्यादा आपको वो डेड स्किन आ जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको आप कैसे क्लियर करें, इसके लिए बहुत छोटा सा नुस्खा है जिसमें आपको एक पैसे भी नहीं लगेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाली हूँ, इसके लिए तीन सामग्री लेनी होगी। हाय गाइस, दिस इज मीनाक्षी सिन्हा हियर फ्रॉम द प्रीता शो, और मेरे सारे प्रीता के परिवार को, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं साल 2023 का ये पहला वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड, मेरे चैनल पे मिलते हैं आपको ब्यूटी, फैशन, सेल्फ केयरिंग और कॉमेडी शॉर्ट्स में जाते हैं, इन सबको मिलाकर मिलता है आपको टोटल इंटरटेनमेंट का पैकेज। तो मेरे शॉर्ट को जिस तरह आप पसंद कर रहे हैं, मेरे बड़े वीडियो को भी पसंद करें, तो समय ना व्यतीत करते हुए मैं आपको लेकर चल रही हूँ। आज मैं आपको ब्यूटी से लेकर आई हूँ। अभी आप देख रहे होंगे सर्दी आ चुकी है, तो आपको अपनी स्किन की देखभाल कैसे करनी होगी। सर्दियों में स्क्रब की काफी जरूरत हो जाती है, क्योंकि स्क्रब एक ऐसा चीज है, आपकी जो डेड स्किन है सर्दियों में ज्यादा निकलते हैं, चाहे वो हाथ के हो, पैर के हो, फेस के हो, फेस में नाक के ऊपर काफी ज्यादा आपको वो डेड स्किन आ जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको आप कैसे क्लियर करें, इसके लिए बहुत छोटा सा नुस्खा है जिसमें आपको एक पैसे भी नहीं लगेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाली हूँ, इसके लिए तीन सामग्री लेनी होगी। तो फ्रेंड, इसमें ये तीन सामग्री मैंने लिया है। पहला लिया है मैंने आपको, यहाँ पे कॉफी पाउडर है जो कि मैंने आपको दिखला रही हूँ, यहाँ पे कॉफी पाउडर मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिया है शुगर, शुगर आप इसमें मैं ऐड ऑन करूंगी, मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ आपके सामने ही। और साथ में मैं आपको दिखला रही हूँ, ये है शहद, ये तीनों का मिश्रण आप बना ले। शहद को थोड़ा ठंड में होता है ना कि थोड़ा सा ये जम जाता है, देख पा रही होंगे, शहद थोड़ा ही सा ले, इसी स्क्रब बनाने के लिए काम आएगा। और इन सभी को मिलाकर आपको बनाने होंगे एक पेस्ट। देखिए इस तरह के पेस्ट बन गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये पेस्ट को आप अपने स्किन पे लगाएं, जैसा कि मैं आपको भी साइड स्किन पे दिखला रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप साइड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप इसे 10 मिनट, इस मिश्रण को, इस स्क्रब को 10 मिनट अपने चेहरे पे मले काफी अच्छे से। जिस तरीके से आप घर में फेशियल करते हो, उस तरीके से जो भी स्टेप्स आपको आते हैं, खासकर नाकों के ऊपर जहां जहां आपके डेड स्किन हो वहां पे आप मले। और इसके बाद आप इसे 5 से 10 मिनट अपनी स्किन पे रहने दें, उसके बाद धोले। धोने के बाद आप देख पाएंगे कि काफी सुंदर इसका टेक्सचर आया है, और जो भी आपके डेड स्किन थे वो सारे निकल गए हैं और आपके जो ग्लोइंग स्किन है वो आ गए हैं। तो मैं अभी ज्यादातर स्क्रब आपको बता रही हूँ हर एक तरीके का, कभी और ये सारे नेचुरल तरीके से मैं बता रही हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको स्क्रब बताया था, वो चोकर के साथ था, टमाटो प्यूरी के साथ था, आज मैं बता रही हूँ आपको चीनी, शहद और कॉफी के साथ। तो स्क्रब आपके घर में काफी मात्रा में जो भी किचन के सामान है और सारे ऑर्गेनिक है, और ये सभी आपको आपके फेस में ग्लो करने में काफी फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का मेरा ये टिप्स? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।